नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक भारत में भी हो चुकी है। ऐसे में यहां पर हर कोई इसे लेकर चिंतित होने लगा है। साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन एंजेलिक कोजोई ने नए वेरिएंट के लक्षणों के बारे में बात की और बताया कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। एंजेलिक कोजोई वही डॉक्टर है जिन्होंने इस नए वेरिएंट की संभावना को देखते हुए सबसे पहले सरकारी वैज्ञानिकों को सचेत किया था। न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं हैरान हुई क्योंकि मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। काफ़ी हफ्तों से दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया था। ये हमारे लिए असामयिक था। मैंने मरीजों को टेस्ट करना शुरू किया जिनमें ऐसे लक्षण थे जो सामान्य वायरल संक्रमण के नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि पिछले हफ्ते ये पुष्टि हुई कि दक्षिण अफ्रीका में एक नया वेरिएंट सामने आया है। मुझे लगता है कि ये वेरिएंट कुछ समय तक रहेगा। हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि अन्य देशों में, क्योंकि अन्य देशों में संक्रमण की संख्या में काफ़ी वृद्धि देखी जा रही है। दरअसल साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन एंजेलिक कोजोई ने कहा कि ओमिक्रॉन का लक्षण ज़्यादा थकाने वाला होगा। इससे शरीर में दर्द और पीड़ा होगी। उनमें से कुछ को काफ़ी तेज सिरदर्द और थकान हो सकती है, लेकिन किसी को गंध या स्वाद के जाने और गंभीर रूप से नाक के जकड़ने या गंभीर बुखार की शिकायत नहीं होगी। Specifically on the 18th, I saw more patients with more or less the same symptoms. And from there on, I alerted the advisory committee. Simultaneously in the background, our labs in Lancet also do find on their PCR tests that there was a strange thing going on where they, what we call an S gene fallout that they normally will not see with Delta, and they also reported it. So at last week, it was then confirmed that South Africa saw a new variant. So I think this variant has been around for some time. Maybe not so in South Africa, but in other countries, because other countries are seeing quite a high rise or increase in their numbers of infections. And if you're not clinically aware of what is happening, you would very, very easily miss the symptoms of this patient. अभी इसके बारे में हम जो जानते हैं वो ये है कि RT-PCR जांच में ये पकड़ में आता है। रैपिड जांच से बता सकते हैं कि आपको कोविड है या नहीं। अगर संक्रमण के लक्षणों को देखें और लक्षण डेल्टा जैसे नहीं हैं, तो ये माना जा सकता है कि व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित है। सरकार के वैज्ञानिकों की ओर से ओमिक्रॉन नाम के वेरियंट को लेकर सचेत करने के बारे में एंजेलिक कोजोई ने बताया कि इसमें 30 से ज़्यादा म्यूटेशन है जो डेल्टा बीटा से बहुत अलग है। जब वैज्ञानिकों ने नए वेरिएंट की घोषणा की तो उन्होंने कहा कि वो अभी तक सब कुछ नहीं समझ सके हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि आप फिर से क्लिनिकल पिक्चर देखें तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे वायरस विकसित होते हैं वो कम गंभीर होते जाते हैं। हालांकि हम 30 प्लस म्यूटेशन के कारण निश्चित नहीं थे, इसलिए अभी के लिए यदि हम क्लिनिकल पिक्चर पर नज़र डालें तो प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर ये ज़्यादातर हल्के मामले हैं। उन्होंने कहा कि इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि ऐसे मरीज भी होंगे जो गंभीर संक्रमण से ग्रस्त होंगे, लेकिन इस स्तर पर बहुत कम होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।